आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ खबर मुंबई की। समाज सेवी, उद्योगपति, समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने अपने विद्यालय में टीचरों एवं छात्र छात्राओं के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया जन्मदिन। तो वहीं इस अवसर पर अशोक सिंह ने विद्यार्थियों को गिफ्ट का वितरण किया। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले तो आपको, आप सबको, पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, हम सबको अपने जो हमें बधाई मिली है आप सबकी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे ये विद्यालय परिवार की तरफ से, मेरे ऑफिस के परिवार की तरफ से, जो हमें आज बधाइयाँ मिल रही हैं उसके लिए एक साथ में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2009 से जब मैं पॉलिटिकल बना, उसके पहले तो हम पॉलिटिकल नहीं थे 2008 के पहले, लेकिन पहला चुनाव 2009 में लड़ा। उसके बाद से हमने देश, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो हमने देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की। आज तो हमने बसपा में रहते रहते अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, समाज विकास क्रांति पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हमारा हमेशा से सिद्धांत रहा कि जो बच्चियों, अपने विद्यालय में बच्चियों को हम अपना जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते कि हमें खुशी मिले, हम अपना जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि बच्चियां खुश रहें, तो उनसे उनकी खुशहाली देश की खुशहाली है। अपने विद्यालय के माध्यम से ही संदेश देता हूं। मैं 3 दिन से ही हमारा जन्मदिन मनाया, 3 दिन पहले से दिल्ली वाले मनाए, जौनपुर में कल लोगों ने मनाया, और आज हम कल की रात की फ्लाइट से यहाँ आ गए। मेरा विद्यालय है 20 साल से हमारे बारे में जन्मदिन मना रहा है, और हम प्राथमिकता देते हैं कि ये जो यहाँ के विद्यालय के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक बालिकाएँ जो हैं, जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, ये हमारे जन्मदिन को अच्छी तरह से मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो हम उनके लिए कहीं भी रहते हैं आ जाते हैं। और हमारा पर्याय ये रहता है कि उनको खुश करना रहता है, तो हम गिफ्ट के माध्यम से हम उनको खुश करने का काम करते हैं।